और वही क्या हालचाल सबके, कैसे हो सब। तो गाइस आज मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, सो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आप इसी तरह से पूरे कम्युनिटी के सारे अपडेट्स जानना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टोरी की तरफ, एंड कमाल है फ्री फायर के बारे में। तो रिसेंटली फ्री फायर का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहाँ पे एक पोस्ट किया गया, सर्वाइवर्स वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट फ्री फायर इज नॉमिनेटेड फॉर ईस्पोर्ट मोबाइल गेम ऑफ द ईयर बाय ईस्पोर्ट अवार्ड्स वंस अगेन। यहाँ पे वंस अगेन इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले साल यानी कि 2020 को फ्री फायर गेम को ही ईस्पोर्ट मोबाइल गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। एंड भाई अगर इस साल भी फ्री फायर को ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो ये वाला भी अवार्ड उनके नाम ही जाएगा, जो कि ऑब्वियसली गरेना के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ, अनंत कमाल फैम क्लैश ब्लैक फ्लैग आर्मी एंड सुक एफएफ के बारे में। सुहास से कुछ दिनों पहले ये अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए इन दोनों के अगेंस्ट में, जहां पे ये ब्लैक फ्लैग आर्मी एंड सुक एफएफ को कुछ बातों को लेकर पॉइंट आउट किए, ये बोल के कि ये दोनों अपने चैनल पे 18 प्लस टिकटॉक रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, जो कि एक तरह से काफी ज्यादा अश्लील होता है एंड छोटे बच्चों को इस टाइप की वीडियोस को नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फैम क्लैश के वीडियो को एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखाया था। तो आज मैं तुम सभी को मिलाने वाला हूँ कुछ क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर से। अगर मैं तुम सभी को ज्यादा सच बताऊं तो ऐसा कंटेंट तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्लैक फ्लैग आर्मी से। मतलब क्रिएटर अगर इसे एक दो बार करता तो भाई थोड़ा समझ में आता, पर अगर तुम ऐसे कंटेंट का रेल बना दोगे तो देखो भाई ये चीज करना बिल्कुल सही नहीं है। काफी लोगों को तो लगता होगा कि ऐसे कंटेंट बनाने में तो यह बहुत मेहनत लगती होगी, पर तुम ऐसा सोच रखते हो ना तो भाई तुम अपनी अलग दुनिया बना रहे हो। ये करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस टाइटल में 18 प्लस लिख देना है और ये ध्यान से लिख देना है कि बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। अब देखो वो बात अलग है कि पूरा वॉच टाइम बच्चे ही देने वाले, वरना फॉर्मेलिटीज के लिए लिख देना। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे कंटेंट डालना बिल्कुल गलत है, जी नहीं, पर अगर तुम ऐसे वीडियोस डाल रहे हो एटलीस्ट सिस्टमैटिकली डालो। अपने वीडियो के स्टार्ट पे एक डिस्क्लेमर दे दो, ये वीडियो में ऐसे ऐसे विजुअल्स हैं। आई नो कि डिस्क्लेमर फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर वो तुम्हारा काम बनता है। चलो कुछ टाइटल पे इनके नजर डालते हैं। माय गर्लफ्रेंड इज गोल्ड डिगर चीटर गर्लफ्रेंड इन गरेना फ्री फायर ग्रैंड मास्टर गर्ल कॉल मी नू। आज वन वर्सेस फोर में अज्जुभाई 94 वर्सेस अज्जुभाई की गर्लफ्रेंड। वाओ अज्जुभाई प्रपोजिंग माय गर्लफ्रेंड गरेना फ्री फायर। अज्जुभाई बंदी चोर। तो इसके बाद जब ब्लैक फ्लैग आर्मी अपने सेकंड चैनल पे लाइव आए तो वहाँ पे उनको बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई फैम क्लैश आपको रोस्ट किया है, उसको रिप्लाई दो बोल के। तो इस चीज पे उन्होंने क्या कहा आप देखिए। फैम रोस्टेड वाले कोई ना यार, चलता है यार, अपन को टेंशन नहीं होती ना इन सब बातों से। देखो कोई ना, जिसका जो काम है वो करेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इन सब बातों की टेंशन नहीं लेते ब्रो, पर जो दिल को अच्छा लगता है मैं करता रहूँगा, अपन को कोई टेंशन नहीं है। देखो उसका जो काम है वो करेगा यार, अपन उसको कुछ नहीं बोलेंगे। हंसने वाला इमोजी है। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ, अनंत कमाल फोर अननोन के बारे में। सो आप में जितने भी लोग इनको नहीं जानते मैं आपको बताता हूँ, ये एक फ्री फायर की ई-स्पोर्ट टीम थी। जी हाँ थी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम में इनके सारे मेंबर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया है। अब ऐसा क्या हुआ मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। तो इस टीम में मेनली चार प्लेयर्स थे, पहले डेड सोल जो की इस टीम के लीडर थे, देन फोर अननोन आनंद, फोर अननोन स्वस्तिक एंड विजार्डो। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि फोर अननोन के स्वस्तिक जो कि इसी टीम के मेंबर थे, वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किए जहाँ पे वो बताया कि इस टीम के लीडर यानी कि डेड सोल उन्होंने इनकी पूरी टीम के साथ 33 लाख रुपीज का स्कैम किया है। जी हाँ, मतलब कि जो पैसा सारे टूर्नामेंट्स को जीतने के बाद पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो सारा पैसा डेड सोल अकेले रख लिए एंड दूसरे मेंबर्स को कुछ भी नहीं दिए। एंड ये सारी स्टोरीज को पोस्ट करने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए और सारे मैटर को अच्छे से क्लियर किए। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो जब भी डेड सोल को कॉल करते थे या फिर मैसेज करते थे ये बोल के मेरे को पैसा दे दो हमारी टीम का, तो वो हमेशा टाल दिया करते थे बात को। आप देखिए उस लाइव स्ट्रीम से इंपॉर्टेंट क्लिप्स। देखो आज से कुछ महीने पहले, जैसे जनवरी में आज से 10 महीने पहले टाइटन कप हुआ था, जो हम जीते थे फर्स्ट आए थे, उसमें उसका प्राइज पूल मिला था हमें 10 लाख। और फिर उसके बाद कुछ क्वालकॉम का हुआ था, पूरे मिलके 30 लाख थे, वो हमारे कैप्टन था तब 150 उसके अकाउंट में आने वाले थे, मतलब उसके अकाउंट में आए है। और वो हमें 6 महीने से बता रहा है कि बैंक फ्रीज है, वो अभी नहीं निकाल सकता, टैक्स रिसिप्ट चाहिए, ये वो अटका के रखा इतने दिनों तक ऐसे ही उसने हमें। फिर जब हमने चेक किया बैंक अकाउंट का, बैंक में जाके, तब बोला कि अकाउंट तो कभी फ्रीज हुआ ही नहीं था। बैंक वाले बोल रहे थे कि इतने पैसों से बैंक कभी फ्रीज ही नहीं होता, बैंक अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होता। और जो बोल रहा है ना सबको पैसे दे दिए मैंने, तो ट्रांजेक्शन दिखा दे उसके, बैंक प्रूफ है तो ही दे दे, बैंक स्टेटमेंट वो सब।
दिखाई नहीं रहा वो तो उसको कब वही तो वो दिखाई नहीं रहा कुछ ना बता रहा। सो ये सब कुछ होने के बाद या फिर इसी के बीच में डेड सोल जो कि इसी टीम के लीडर थे यानी कि जिस बंदे के ऊपर सारे एलिगेशन लगाए जा रहे थे वो भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया जिसमें वो कहे हेलो गाइस फोर अननोन के मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ भाग गए। अब आपको फोर अननोन में न्यू मेंबर्स देखने को मिलेंगे और बाकी सब कुछ मैं यूट्यूब पर बताऊंगा आपको। एंड इसके बाद अपने चैनल पे बैक टू बैक दो वीडियोस अपलोड किए जहां पर उन्होंने बताया कि उनके जो टीम के मेंबर्स हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं और उनको बदनाम करना चाहते हैं। मैं आपको उनकी वीडियो से एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखाता हूं। फुल वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप सभी को पता ही है कि कम्युनिटी में मुझे बदनाम किया जा रहा है और मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अभी वही सब मैं क्लियर करने आया हूँ, वही सब आपको सब सच्चाई बताने आया हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं जो इन्होंने कल अपनी लाइव में बोला कि डेड सोल ने 33 लाख का स्कैम किया है। ठीक है, इन्होंने टूर्नामेंट बताया टाइटन इन्विटेशनल और स्नैपड्रैगन। तो गाइस सबसे पहले तो यहीं पे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि टाइटन के जो फर्स्ट प्राइज पूल हमें मिला था वो था 10 लाख और जो स्नैपड्रैगन का मिला था वो फर्स्ट प्राइज था 20 लाख एंड उसका 30% टीटीएस कटने के बाद वो यही कोई 13.5-14 लाख बैठते हैं। तो दोनों मिला के कितना हुए 23-24 लाख। ठीक है, और वो पूरी टीम के हैं 23-24 लाख, उनके नहीं है उसमें मेरे भी है। ठीक है, और ये ऐसे रैंडमली नंबर 33 लाख 35 लाख मैंने स्कैम कर लिए ये झूठ बोल के मुझे सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। वेल इश्यूज के बारे में आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ अनहद कमाल ने देसी गेमर्स के बारे में। तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ दिनों पहले वो कहे थे कि उनके मेन चैनल पे उनका ऑफिशियल सॉन्ग आएगा बट किसी रीजन के वजह से वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। तो आज से एक दिन पहले वो अपने इंस्टाग्राम पे क्यू एन ए कर रहे थे तो वहाँ पे किसी ने उनसे पूछा कि सॉन्ग कब आएगा बोल के। तो इसी का रिप्लाई देते हैं वो कुछ ये कहे 10 मिलियन स्पेशल सॉन्ग था बट बिकॉज ऑफ कोविड बहुत लेट हो गया, होप कि न्यू ईयर तक आ जाए। यानी ये उनका न्यू सॉन्ग जनवरी के अगले साल तक ही आएगा। एंड देसी गेमर का बात चली रहा है तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। सो गाइस अगर तो आप लोग फ्री फायर कम्युनिटी में काफी टाइम से एक्टिव हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है और काफी टाइम से लोग साथ में हैं। लेकिन अभी के टाइम में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये लोग साथ में नहीं खेलते, इनफैक्ट ये लोग दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है। तो रिसेंटली जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे अपने चैनल पे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप आजकल अज्जू भाई के साथ क्यों नहीं खेलते, मतलब कि पहले की तरह साथ में वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो इसी का वो रिप्लाई दिए लेकिन इनडायरेक्टली रिप्लाई दिए। अब उन्होंने क्या कहा आप देखिए। भाई व्हाई यू डोंट प्लेइंग विद अज्जू भाई ब्रो, बिकॉज़ ही इज नॉट इन माय फ्रेंड लिस्ट ब्रो, हाउ कैन आई प्ले ब्रो? अब विराज कल मेरे को अनफ्रेंड कर देगा और मैं उसके साथ कैसे खेलूं? फ्रेंड लिस्ट पे कोई नहीं मेरे फ्रेंड लिस्ट पे, जो फ्रेंड लिस्ट पे उसी के साथ तो खेलेंगे। अब कल को विराज पता नहीं क्या मूड आया विराज को, अमित को हटा दो अनफ्रेंड करो। तो अभी टोटल गेमिंग के बारे में बात हो ही रही है तो उनके रिगार्डिंग भी एक स्टोरी है और वो ये है कि टोटल गेमिंग आज हमने ट्विटर में एक ट्वीट किया जिसमें वो कहे भाई लोग यूट्यूब इंडिया और ट्विच, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ट्विच क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो एक बेसिकली स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स सिर्फ लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो इन्हीं के इस ट्वीट के नीचे उनका एक सब्सक्राइबर उनको रिप्लाई दिया ये बोल के कि यूट्यूब। तो टोटल गेमिंग कहे समटाइम्स मनी मैटर्स एंड देन वो एक और ट्वीट किए वेटिंग फॉर ट्विच, यानी कि वो बहुत ही जल्द ट्विच पे लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस आपको एक बात और बता दूं, ट्विच का एक बहुत ही बड़ा एंड इंपॉर्टेंट रूल होता है ये बोल के कि अगर आप ट्विच पे लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करते हो यानी कि ट्विच एप्लीकेशन पे लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करते हो तो आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते, मतलब कि अगर टोटल गेमिंग वहां पे लाइव स्ट्रीम करना शुरू करेंगे तो उनको यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम करना क्विट करना पड़ेगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ अनहद कमाल ने राइस्टार के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी राइस्टार अपने वीडियोस में बात करते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो वो अपने रियल आवाज में बात नहीं करते, अपने आवाज को एडिट कर देते हैं। सो यहां पे अपडेट ये है कि आज अपने सेकंड चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए जहां पे अपने सारे सब्सक्राइबर्स को एक चैलेंज दिए और वो ये था कि आज यानी कि 21 अक्टूबर को जब वो बुया पे लाइव स्ट्रीम करेंगे जो कि एक बेसिकली दूसरा लाइव स्ट्रीम करने का एप्लीकेशन है, सो जब वो लाइव स्ट्रीम करेंगे तो अगर वहां पे 1,50,000 की वॉचिंग आ जाती है तो वो अपना वॉइस रिवील कर देंगे, मतलब कि उनका जो एडिट वाला आवाज है वो नहीं सुनाएंगे अपना रियल वॉइस सुनाएंगे। एंड यस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा कि क्या राइस्टार के बुए वाले अकाउंट में 1,50,000 की वॉचिंग हो पाएगी, यस या फिर नो में जरूर से बताएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड मैं आपको मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।